अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लान ये है कि शाहजहान मोती पहुँचना था आज, कराची से निकले थे ऑन टाइम और ऑलमोस्ट जो है वो करीब पहुँच चुके हैं और चलते हैं शाहजहान की तरफ। आपको रास्ता दिखाते हैं शाहजहान का। ये खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे और ये जो शाहजहान मॉस्क जो है ये ठट्टा में वाक़ भाई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आप देख रहे हैं रोड के साथ साथ पानी चल रहा है, झील चल रही है और बेहतरीन रोड बनाए हुए हैं इन्होंने। तो एक और जगह का विजिट आज का हो गया है हमारा। ये 70 चपाटर भाई, कोई इनका कोई नेमुल बदल नहीं है भाई, कोई नेमुल बदल नहीं है इनका, इन चपाटर का कहना नहीं। हम तो अपना इन्जॉय करने जा रहे हैं तो इन्जॉय करते हैं। शाहजहान मोती के बारे में जो छोटी बहुत डिटेल पता है मुझे, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल बताए तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पर जाकर बताऊँगा। विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मे बी के विंड प्रेशर की आवाज़ जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा आ जाए आपके पास। ट्रैफिक आ रही है बहुत ज़्यादा और इस ट्रैफिक को हम क्रॉस करते 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 भाई अचानक से पलटी पलटी चले जाते हैं हम लोग को। अजान हो रही है, वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये है टर्न, ये टर्न है आपको मस्जिद की तरफ जाने के लिए, ये आप देख रहे हो, ये है एक खूबसूरत सा टर्न। और हाँ तो भाई देखो, जैसे कि मैंने बताया था आपको, रोड आपने देख लिया, ये हम पहुंच गए हैं शाहजहान मोती, ये आ गई है शाहजहान मस्जिद और अब हम शाहजहान मस्जिद के बाद अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। पहले पीछे देख लें, कोई लोग तो नहीं हमारे। और ये शाहजहान मस्जिद हम पहुँच गए हैं ऐसे आप लोगों के सामने, शाहजहान मस्जिद कहाँ लगाया भाई, सामने लगा दूं। ये हम शाहजहान मस्जिद पहुंच गए हैं, आप ये ग्रिल में से देख सकते हो, ये शाहजहान मस्जिद है। अब बाकी चलते हैं अंदर मस्जिद के और बाकी चीज़ें मस्जिद के अंदर दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, भाई शाहजहान मस्जिद हम पहुंच गए हैं, सामने आपको नज़र आ रही होगी ये जो ब्यूटीफुल सी एक ज़बरदस्त मस्जिद तामीर हुई है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आप लोकेशन देखो और मस्जिद देखो बस। और करीब पहुँच कर अभी मस्जिद के अंदर का भी इंशाल्लाह प्लान करते हैं, मस्जिद के अंदर किस तरह जाते हैं। ये है शाहजहान मस्जिद, तो भाई आप देख रहे हो शाहजहान मस्जिद में हम अंदर आ गए। और ये मस्जिद के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये 17th century में बनी थी भाई, और बहुत ज़बरदस्त इसका जो आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइन है, जो चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपका व्यू अंदर का भी पूरा दिखाता हूँ, फिलहाल आप ये व्यू देख लो जो थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ। फिलहाल ये मुग़लों के ज़माने में बनी थी, जो मुग़ल का नाम था उनका था शाहजहान, तो इस मस्जिद का नाम भी इन्होंने शाहजहान मस्जिद के नाम से रखा है। तो बाकी जो है मैं अंदर की जो न्यूज़ है वो मैं अंदर जाके व्यूज़ भी दिखाता हूँ और बाकी हम इन्जॉय करते हैं अंदर मस्जिद कैसी बनी हुई है, ठीक है। ये है मस्जिद के अंदर के मनाज़िर और आप देख रहे हैं इस वक्त शाहजहान मस्जिद, टीम एडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान, आपका दोस्त मोहम्मद हसनैन ऐश। तो ये है भाई शाहजहान मस्जिद, जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी इसके बारे में, बस आप मस्जिद को व्यू कर लें अंदर और उसका आर्किटेक्चर देखें। तो ये सिंध में जो है ना बहुत ही मशहूर मस्जिद है और इसके डिज़ाइन, इसके आर्किटेक्ट मतलब आउटस्टैंडिंग है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये इस तरह से
हम यहाँ पे इसमें अंदर और घूम सकते हैं, ऐसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और हम ऐसा ऐसा चलते चलते इसके जो मेन जगह है वहाँ पर आ चुके हैं। भाई बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके फर्स्ट एंट्रेंस की तरफ। ये एंट्रेंस किस तरह से इसका, ये इसका गुंबद है, ये आप देख रहे हो अंदर, ये सब इसका गुंबद। हाँ तो भाई सीन ये है कि शाहजहाँ मॉस्क्यू का पूरा विज़िट मैंने आपको करा दिया है। प्लान था कि जो है वो और भी बहुत सारी जगह विज़िट करने का, बट आज शाहजहाँ मस्जिद ही बहुत है। मस्जिद आपने देखी, मैंने आपको डिटेल भी बताई कि 17th सेंचुरी में मुगलों के दौर में बनी थी। शाहजहाँ जो मुगल थे उन्होंने इसको बनवाया था, और इसकी आर्किटेक्चर, उसके डिज़ाइन, ये सिंध में सिंध की सकाफत की भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और यहाँ पर डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बने हुए, इसका आर्किटेक्ट इतना बेहतरीन है कि आपने देख लिया वीडियो के अंदर भी। तो आज के लिए बस इतना ही शाहजहाँ मस्जिद के बारे में, और बाकी डिटेल जितनी हमारे पास अवेलेबल हुई वो ज़रूर आपको शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा सारी। और अगर आपको मज़ीद ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इस तरह से बेल आइकॉन ज़रूर दबा लेना। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन, क्योंकि फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता। तो बैक टू बैक जो है ट्रैक हमने सिंध के कर लिए, और इंशाल्लाह मोर जगहें भी जो है मैं आपको दिखाऊंगा। एक नई जगह जिसके बारे में मेरा नेक्स्ट प्लान है, जो फिलहाल अभी तक इतने ज़्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता, तो वही मेरा हर दफ़ा का शौक कि अनएक्सप्लोर को एक्सप्लोर करने का जो शौक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो वीडियो मिलने वाली है वो इससे बहुत ज़बरदस्त होगी। और नई जगहें हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद मालूमात के लिए नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लो, और चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। शाहजहाँ मॉस्क्यू, शाहजहाँ मॉस्क्यू से तो हम निकल गए। अब जे कि ठट्टा आओ, और ठट्टा आने के बाद अगर रबड़ी ना लो तो मतलब फिर बेकार है ना ठट्टा आना। और अगर जैसे किसी को बता कर आ जाओ भाई ठट्टा जा रहे हैं, तो फिर जो है ना वो लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। तो इसलिए ना ठट्टा जब भी आओ तो भाई थोड़ा सा चुपचाप आराम से आओ, अपना होकर निकल जाओ, वापसी घर जाके बताओ कि यार। अब जो रबड़ी ले रहे हैं ना वो इस भाई से ले रहे हैं। अब ये भाई है यहाँ पे, इसने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, और बहुत अच्छे कम दामों में हमें रबड़ी दी है इसने। तो कभी भी अगर आप शाहजहाँ मस्जिद आओ, ठट्टा आओ, करीब करीब में आओ, रबड़ी चाहिए हो तो भाई से रब्ता करो। इसी शक्ल देख लो, इतना हैंडसम सा लड़का है ये माशाल्लाह, तो इससे रबड़ी ले लो, उसने बहुत अच्छी दी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अब चलते हैं, रबड़ी ले लिए, दिखाएंगे थोड़ी सी, दिखाएंगे हल्की फुल्की करके ना थोड़ा। तो तुम्हारा नाम क्या? सिकंदर। सिकंदर भाई से ले लेना भाई, ठीक है? सिकंदर डिस्काउंट दे देना, सिकंदर अगर कोई हमारी वीडियो के तवस्त से आए तो उसको डिस्काउंट दे देंगे सिकंदर भाई। तो मैं जहाँ भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए डिस्काउंट की बात ज़रूर करता हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। और अब जो है ना वो सारी चीज़ों को ही डरना, रस्ते में एक आध शॉर्ट बनाएंगे और रुककर जो हम एंड अप शॉर्ट्स करेंगे उसको, और फिर शाहजहाँ मस्जिद का भी जो है ना वो विजिट आज हमारा हो गया। हाँ तो भाई, इस खूबसूरत सनसेट के साथ जो है वो आज शाहजहाँ मॉस्क्यू वाले ट्रिप का होता है इख्तिताम। और अब तक हम लोग जो है वो ढाबे जी पहुँच गए हैं, और वहाँ से फिर हम ना कराची के लिए निकलेंगे। और बस आज का जो ब्लॉग है शाहजहाँ मॉस्क्यू वाला, वो यहाँ पर इख्तिताम होता है, और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।